Do you want to know? Hello students. तो बच्चा लोग आज हम शुरू कर रहे हैं आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, दैट इज लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन. भाई ये चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हो 9th में. Am I right? 9th में सेम चैप्टर था, सेम चीजें थी. अब भाई जितना भी 9th में आपने पढ़ा है ना, उन सभी को आपको वापस 11th में रिवाइज करना है. अब हम थोड़ा और जाएंगे डिटेल में. भाई सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की. मोशन का मतलब क्या होता है? भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो मोशन कर रहा है. तो भाई मोशन कोई भी मोशन, भाई आज जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट जा रहे हो तो ही मोशन लगा, किसी भी तरह का मोशन. भाई अगर आप स्ट्रेट चल रहे हो तो लीनियर मोशन, अगर आप गोल घूम रहे हो तो सर्कुलर मोशन, एक ही जगह पर खड़े खड़े गोल घूम रहे हो तो रोटेशनरी मोशन, ठीक है. अगर आप ऊपर जा रहे हो तो वाइब्रेशनल मोशन, ऊपर नीचे हो रहे हो, मतलब किसी भी तरह की मूवमेंट अगर आपके बॉडी में हो रही है दैट इज कॉल्ड मोशन. एंड अगर आप मोशन नहीं कर रहे, अगर आप मोशन नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाओगे आप? रेस्ट. अब फिजिक्स के अंदर रेस्ट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम. क्या नाम दिया जाता है इसको? भाई 9th के अंदर हमने रेस्ट पढ़ा था, स्टेशनरी पढ़ा था, उसी चीज को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. भाई आपके इस बार कई बार आएगा द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, कई बार आएगा. तो इसको याद रखना, इस चैप्टर में हमें इससे ज्यादा जरूरी यह है, मेन चीज ये है. ओके अब भाई मोशन को चलो आपको पता चल गया. टाइप्स ऑफ मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कौन कौन से टाइप्स के मोशन की बात में बात की हमने? लीनियर मोशन. अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो लीनियर मोशन. अगर आप ऊपर नीचे हो या इस टाइप से कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है? वाइब्रेशनल मोशन. अगर आप गोल गोल घूम रहे हो किसी चीज के सराउंडिंग, गोल गोल घूम रहे हो जैसे अर्ध घूमता है सन के आजू बाजू, उसे हम कहते हैं सर्क्यूलर मोशन. फिर भाई जो पंखा कर रहा है, पंखा एक ही जगह पर बैठा हुआ है, वहां से गोल गोल घूम कर रहा है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन. ठीक है भाई, ये तो बहुत चीजें आसान है, इसके लिए कभी डेफिनेशन आप ही ज्यादा बोल सकते हो. द मोशन डन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. द मोशन इन अ टू एंड फ्रो मोशन, इन अ टू एंड फ्रो डिस्टेंस इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन. सर्कुलर मोशन, इफ अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड समथिंग इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. रोटेशन मोशन, इफ अ बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स प्लेस इज कॉल्ड रोटेशन मोशन. सिंपल डेफिनेशन से ओके. इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए बड़ा ध्यान से देखना भाई. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जीरो हो जाए. अच्छा एक चीज और भाई, हमको पता है, देखो आपने जब 9th में मोशन पढ़ा था तो आपने पूरे चैप्टर में फोर्स पढ़ा था, फोर्स ये फोर्स वो, F is equal to MA, नेट फोर्स, बहुत कुछ पढ़ा था भाई. एक्चुअली फोर्स क्या है? तो भाई याद रखना, फोर्स is the cause of motion. भाई force ही वो चीज है जो motion कर रही है. आज force नहीं है तो motion नहीं होता. भाई ये बहुत जरूरी चीज है. Force is the cause of motion. भाई अगर आप stationary हो तो उसके का उसका कारण भी force है. भाई आप ऐसा बोल सकते हो force is the cause of state of motion. ये बहुत ही appropriate हो जाएगा. Because state of motion में क्या होता है? जब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, या आप स्टेशनरी हो या आप चल रहे हो, कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स के कारण. अगर आप रुके हुए हो भाई, इस समय मैं देखो यहाँ खड़ा हो गया, इसका मतलब मेरे ऊपर फोर्स, मेरे पर फोर्स लग रही है. देखो प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसके ऊपर फोर्स नहीं लगता. फोर्स हमेशा लगता है, हमेशा. अरे भाई ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ही ना. तो आज अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूं, अगर स्टेशनरी हूं, इसका मतलब कि मेरे ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स साथ ही साथ एक और कोई ऐसी फोर्स जो मेरे ऊपर लग रही है वो दोनों इक्वल है. कौन सी फोर्स होगी वो तो देखेंगे चैप्टर के अंदर, बट मेरे अंदर अभी एक से ज्यादा फोर्स लग रही है जो इक्वल है, जिसके कारण मैं हो गया स्टेशनरी, मैं हो गया इक्विलिब्रियम. सो मोशन का कोई भी स्टेट हो जावे, उसका कारण क्या होगा? वन एंड ओनली फोर्स. अब भाई फोर्स की एक यूनिट तो आपको पता ही है, न्यूटन.
और एक दूसरी यूनिट भी होती है इसकी टाइम, भाई टायर नहीं है टाइम। न्यूटन हम एमकेएस सिस्टम में बोलते हैं एंड टाइम हम सीजीएस सिस्टम में कहते हैं। याद है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है भाई चलो फटाफट इतना लिख लो। भाई तो देखिए लीनियर के अंदर और दो मोशन पॉसिबल है, एक हो जाता है रेक्टिलीनियर, और दूसरा हो जाता है कर्वीलीनियर। तो भाई अगर अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं एकदम स्ट्रेट बिल्कुल मुड़ नहीं रहे हैं तो उसको हम रेक्टिलीनियर कहते हैं। एंड अगर मान लो कि आप सीधे जाके ऐसे मुड़ रहे हो भाई आखिर लीनियर मोड में स्ट्रेट मोड रहे तो उसको हम बोलेंगे कर्वीलीनियर। तो भाई लीनियर के अंदर दो रेक्टी एंड कर्वी। ठीक है चलिए आगे बढ़े। देखो बच्चों ये चैप्टर आपका ऐसा है ना कि जिसमें से थियरी बहुत कम पूछी जाती है, बहुत ही कम, अगर इक्का दुक्का आ गई तो, बाकी मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, मोस्टली लॉजिकल क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आपको मेन फोकस कहाँ करना है, मेन फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट्स पे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में बताए जाएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, बहुत इसके सवाल ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आती है सॉल्व करने के इसके क्वेश्चंस को। ठीक अब भाई आगे हम देख रहे हैं फोर्सेस। तो भाई फोर्सेस किन-किन टाइप्स के होते हैं, भाई एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर एक हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर एक हो जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भाई चैप्टर वन में भी हमने इसके बारे में कुछ डिस्कशन किए थे। अब भाई मेनली देखो हमें इस चैप्टर में मेनली नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट से मतलब है, नॉन कॉन्टैक्ट भी नहीं एक्चुअली कॉन्टैक्ट से ही हमारा मेन पूरा चलेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बाकी वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो इस चैप्टर में कुछ आएगा ही नहीं। भाई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई देखो नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे फोर्सेस जिसको अप्लाई होने के लिए टचिंग की जरूरत नहीं है, दूर खड़े रह के भी वो आप पे फोर्स लगा सकते हैं, भले खींचे या भले धक्का दे, जो करे एदर वो पुल करे या तो पुश करे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपके कॉन्टेक्ट में आए बिना आपको फोर्स लगाए। सो एक तो ग्रेविटेशन है, फिर एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई ये आपके 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जब दो चार्जेस है प्लस माइनस हो, प्लस प्लस हो कि माइनस माइनस हो, चार्जेस या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर वो ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो, और अगर सेम चार्जेस होंगे यानी प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो उसको टच होने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट होता है मैग्नेट सेम वैसा। और यस थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स। तो दुनिया के अंदर ये तीन ही फोर्स है जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। अब कॉन्टेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट में क्या क्या आने वाला है, एक तो नॉर्मल फोर्स या उसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, ये क्या होता है हम देखेंगे डिटेल में नॉर्मल रिएक्शन क्या है। फिर सेकंड होता है टेंशन, ये भी हम देखेंगे। फिर एक होता है स्प्रिंग फोर्स, फिर एक होता है फ्रिक्शन फोर्स जो कि इसी चैप्टर में हमको देखना है। ठीक है मेनली ये है आपके कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ओके बच्चों तो देखिए अब इन चार के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस करना है। ठीक है तो ये चार में मैं अभी कुछ नहीं समझा रहा हूं बिकॉज आगे आने वाला है। अब इस चैप्टर में हमें ग्रेविटेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे आप। वैन फोर्स भी इसको कहते हैं, वांडे फोर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है वांडे फोर्स ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से होते हैं, जो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है चैप्टर वन में हमने उसके बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। ओके अब चलो ग्रेविटेशन की।
बच्चा लोग मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ग्रेविटेशन को लेके, बिकॉज ऑलरेडी आपके 11th में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, जहां पे मैं टोटली इसके बारे में बात करनी है। अच्छा अभी आपको मालूम है ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई दुनिया के दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। भाई सपोज करो कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी, भाई ये इसको अट्रैक्ट करेगा एंड ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज करो इसका मास एम ए है या एम वन है और इसका मास सपोज करो एम टू है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट के, 9th में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। एंड चलिए मैं बोलता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर सच दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई ये डी है ना, तो डी ले लेते हैं। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एफ इज इक्वल टू एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आएंगे तो यहां पे क्या लगता था, एक कैपिटल जी लगता था, याद आया कुछ, कैपिटल जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर, जहां पे कैपिटल जी को हम बोलते थे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ओके। एंड इसकी वैल्यू कुछ होती थी 6.673 इनटू 10 रेस टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब अच्छा लोग ये चैप्टर में हमें ग्रेविटेशन की ये वाली फॉर्मूला नहीं लेनी, हमें दूसरी फॉर्मूला यूज करनी। सारे क्वेश्चन में याद रखना, पूरे चैप्टर में हम ये फॉर्मूला का यूज कहीं नहीं करेंगे। हम कौन से फॉर्मूला का यूज करने वाले, तो बच्चा लोग आपने 9th में एक चीज पढ़ा था W is equal to mg, weight is equal to mass into gravitational acceleration. ये small g क्या है? Gravitational acceleration, तो ये तो आपको पता ही है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ chapters में। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये formula आई कहाँ से। भाई सपोज करो कि आप वेटिंग मशीन पे खड़े हो वजन मापने के लिए, आपका वजन आ रहा है 60 किलो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपका पांव पकड़ के उसको नीचे खींच रहा हूँ, क्या होगा वेटिंग मशीन पे, क्या असर होगा? ऑब्वियस बात है वेट बढ़ जाएगा, वो वेटिंग मशीन जो है ज्यादा वजन दिखाएगी। अब मैं अगर मान लो कि आपको ऊपर की तरफ पुल कर खींचू ऊपर की तरफ या पांव पकड़ के आपको थोड़ा ऊपर करो, क्या होगा, वेटिंग मशीन में वजन थोड़ा कम हो जाएगा। इसका मतलब भाई जो वजन है आपका, जो वजन है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। एंड जब मैंने आपको पकड़ा नहीं है तब आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितनी होती है, स्मॉल जी। एंड आपका मास, देखिए हर चीज का मास अलग अलग होता है, एंड आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास रिमेंस कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। तो ये W इज इक्वल टू mg, तो ये W क्या था, W इज नथिंग बट द फोर्स, W is nothing but the force। तो भाई जब आप अपना वजन नापते हैं तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, भाई उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम यहाँ पे फोर्स की फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में ग्रेविटेशन की हम फॉर्मूला लेंगे mg, ठीक है, ये समझने के लिए रखो, इसको तो आगे देखना ही है, जैसे मैंने कहा पूरा चैप्टर इस पे आपको देखना है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे सब क्वेश्चन, सब शुरू से लेकर अंत तक, ओके। चलिए फटाफट इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब बच्चा लोग हम आप देख लेते हैं कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट फोर्स है उसका क्या मतलब होता है, हमें पूरे चैप्टर में उन्हीं से डील करना है। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चा लोग भाई सपोज करो कि ये एक सरफेस है और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अब भाई इस पे इस समय कौन सी फोर्स लग रही है, भाई इस समय इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉरी हमेशा नीचे की तरफ,
नॉट परपेंडिकुलर, हमेशा नीचे की तरफ। जैसे मान लो अगर मेरे पास ऐसी कोई सरफेस है, इसको हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम? इंक्लाइंड प्लेन। भाई जो आपका ब्रिज होता है ना, ब्रिज सॉर्ट ऑफ दैट। और अगर मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगेगी? भाई सीधी सी बात है, ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे ही लगती है ना, अर्थ उसको एकदम नीचे खींचता है ना किसी भी चीज को, तो भाई ये हो जाएगा उसका ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन बच्चा लोग, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे जमीन के अंदर नहीं जा रहा। जैसे कि मैं इस समय हूं, मैं, मेरा मास एम है, मैं देखो खड़ा हूं, मैं जमीन के अंदर नहीं जा रहा। क्यों? बिकॉज ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है। देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि, देखो जब ध्यान से सुनना, ये जो सरफेस है ये क्या कर रही है? मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स भाई? ये सरफेस जिसके मैं टच में हूं, जिसके मैं टच में हूं, वो सरफेस मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रही है जिसके वजह से मैं गिर नहीं पा रहा, जो कि इसको एक बैलेंस कर रहा है। इसीलिए ये वाले रिएक्शन को, ये वाला फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एंड बच्चा लोग, ये हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, हमेशा। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई यहां पे नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? इस टाइप से सरफेस को परपेंडिकुलर। ग्रेविटेशन हमेशा नीचे लगता है, लेकिन नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसको? आपकी सरफेस को। अब भाई हमने एक चीज पढ़ी हुई है, फोर्सेस ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ रखा है ना, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन फॉर एनी एक्शन, पढ़ रखा है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, नाइन्थ में पढ़ा था। भाई इसका मतलब फोर्सेस हमेशा जोड़ी में आती है। तो भाई यहां देखो, यहां जरा ध्यान देना, अगर ये सरफेस मेरी बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, तो उतना ही फोर्स मेरी बॉडी इस सरफेस के ऊपर भी लगाएगी। जितना फोर्स बॉडी सरफेस मेरे ऊपर लगा रही है, उतना ही फोर्स एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी सरफेस के ऊपर लगाएगी। तो भाई ये हो गया एक्शन, तो ये हो गया रिएक्शन, एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब आप बोलोगे भाई ये अगर फोर्स, दो दो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, देखो जरा ध्यान से सुनो, आज हमारी सरफेस तो क्या है? रिजिड है। रिजिड है मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकती, तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा। भाई अगर कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मैं कोई बहुत ही वजनदार चीज लाके रख दूं, जिसके मान लो ये मेरे पास एक बेंच है, मैं बेंच के ऊपर अगर बहुत भारी चीज रखूं, टूट जाएगी। क्यों टूट जाती है? क्योंकि भाई आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास ज्यादा है, अब उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, और इस फोर्स के कारण ये बेंच टूट सकती है। समझ आ रहा है ना? यही लॉजिक है। अगर मान लो इसकी बात करूं, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? ऐसे। भाई अगर ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर ही होगा ना, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, समझ आया नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, अब मान लो कि अगर कोई सर्कुलर या स्फीयर, सपोज करो कोई स्फीयर है और मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा हुआ है, मास है, तो भाई इस समय नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? भाई हमेशा इस पे परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। एंड बच्चा लोग एक चीज याद रखना कि अगर जब भी सर्कुलर बॉडी या स्फेरिकल बॉडी होती है, तो उसका नॉर्मल हमेशा हमारे सेंटर से निकलेगा। एक्चुअली सिर्फ फोर्स नहीं, कोई भी चीज अगर मुझे इसके सरफेस को परपेंडिकुलर करानी है ना, तो उसके सेंटर से निकालनी पड़ेगी। तो पता है आपने 10th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई यहां रेडियस है, एक टेंजेंट है, यहाँ रेडियस है तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब सेंटर से कोई भी चीज जाएगी तो वो आपके सरफेस से परपेंडिकुलर ही बनेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए हमने ये जो भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये इस टाइप से लगेगा, चाहे सरफेस कैसी भी हो, स्ट्रेट हो, इंक्लाइंड हो या स्फेरिकल हो। अच्छा, अब बात करते हैं टेंशन फोर्स की। भाई टेंशन फोर्स क्या होता है? तो बच्चा लोग, टेंशन फोर्स जो है ना, वो हमेशा स्ट्रिंग में लगती है, डोरी में। अगर आप किसी भी चीज को डोरी से बांध दोगे, तो वो डोरी के अंदर जो फोर्स पैदा होगी, उसको हम कहते हैं टेंशन। सपोज करो कि मैंने ये सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया है जिसका मास है एम। तो भाई यहां क्या बच्चा, पहले यहां देख लो भाई, जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, वहां पे टेंशन लगती है।
भाई आपने कभी नोटिस किया हो, अगर हम किसी डोरी से बांधी हुई चीज को खींचते हैं तो डोरी टूटती है तो बीच में से नहीं टूटेगी, वो टूटेगी या तो इसके नजदीक से या तो इसके नजदीक से। इसका मतलब टेंशन कहाँ लगता है, जहां पे कॉन्टेक्ट होता है। अच्छा अब टेंशन लगेगा कहाँ भाई, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लगेगा एम जी ग्रेविटेशन फोर्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन को यहां लगना पड़ेगा। इसका मतलब टेंशन हमेशा मोशन के ऑपोजिशन, यानी कि आप है ना ये देख सकते हैं, अपनी मुट्ठी बंद करो एंड अंगूठे को यूं रखो, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो ना वहां पे अंगूठे को रखो इस टाइप से। अब यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये यूं हो जाएगा, मतलब एक टेंशन यहां से लग रहा है तो दूसरा टेंशन यहां से लग रहा है। एंड बच्चा लोग एक डोरी के अंदर टेंशन फोर्स कभी भी अलग अलग नहीं होती, मतलब अगर ये फोर्स टी है तो ये फोर्स भी टी देगा, अगर डोरी सेम है तो टेंशन फोर्स हमेशा सेम होगी, कभी बदलेगी नहीं, डोरी चेंज होगी तो यस टेंशन फोर्स चेंज होगी। एंड बच्चा लोग इसको हम एज्यूम करते हैं मासलेस, अगर इसका वजन होगा तो इसका खुद का भी तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा ना, तो इस पूरे चैप्टर में जो स्ट्रिंग हम लेने वाले हैं हम उसको मासलेस लेने वाले हैं, यानी कि हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि इसका मास है। एक्चुअली प्रैक्टिकली जो बहुत पतली डोरी होती है ना जिसका वजन बहुत बहुत कम होता है उसको हम मासलेस ले लेते हैं, एंड जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं रिसर्च करने होते हैं मासलेस के हिसाब से करते हैं, एंड रिजल्ट सही भी आता है हमारा, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो भी है उसको हम मासलेस लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली जो फोर्स है उसको टेंशन बोलते हैं, और टेंशन हमेशा देखो जैसे मैंने कहा ना फोर्सेस हमेशा जोड़ी में होता है, देखो फोर्सेस जोड़ी में आ गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देखो ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। सपोज करो कि मैं यहां पे एक सरफेस दे देता हूं, दो ऑब्जेक्ट को इधर रख लेता हूं, इसको बोलता हूं एम1 इसको बोलता हूं एम2, इन दोनों को मैं डोरी से बांध देता हूं और एक डोरी में यहां से इसको खींच लेता हूं और एक को मैं क्या करता हूं यहां से डोरी को बांध देता हूं, ये दीवार है मैंने इसको बांध दिया है और यहां से मैं खींच रहा हूं, तो जब मैं इसको खींचूंगा बच्चा लोग जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तभी तो इसके अंदर टेंशन पैदा होगी, अगर मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा तो टेंशन कहां से पैदा होगी, समझ रहे हो। तो भाई जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसके अंदर टेंशन कहां कहां प्रोड्यूस होगी, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देख लो कहां कहां है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सब जगह है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बाहर आउटवर्ड साइड मतलब यहां पे लगेगा टेंशन और यहां पे भी एक टेंशन, भैया पकड़ूंगा ना तो ये भी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, तो इसके अंदर भी टेंशन इसके अंदर भी टेंशन, इसको बोलता हूं टी1। अब देखो डोरी चेंज हो गई, ये एक ही डोरी है तो इसके अंदर फोर्स है, लेकिन जैसे दूसरी डोरी आएगी तो आउटवर्ड टेंशन फोर्स हमेशा बाहर की तरफ होता है, याद रखना हमेशा बाहर की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ। सो यहां पे मैं बोल देता हूं T2, जितना इधर होगा उतना ही फोर्स इधर भी होगा। सिमिलरली यहां पे मैं बोल देता हूं T3, देखो ये फिर से डोरी चेंज हो गई, सो यहां पे कुछ और टेंशन होगा, सो ये बोल देता हूं T3। समझ आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर देखो स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होने वाली फोर्स को हम टेंशन कहते हैं, उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड्स रहता है, डोरी हम हमेशा मासलेस लेते हैं और टेंशन हमेशा जोड़ी में अपीयर होता है, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से फोर्स लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी एंड मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा अगर डोरी सेम है तो, डोरी के चेंज होने पे टेंशन भी चेंज हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? अबे इसकी फॉर्मूला नहीं होती है, इसकी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली एक फिक्स है बट हमें फिलहाल उससे मतलब नहीं है, अभी इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो वहां से पता लगा लेंगे कि टेंशन को कैसे ढूंढा जाता है, बहुत ही मस्त तरीका है, मजेदार वाला है, वो हम देखेंगे। अच्छा बच्चा लोग अब दूसरी जो दो फोर्सेस है स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, भाई वो जब टॉपिक आएगा ना हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इन दो से बहुत सारा काम लेना है, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन से हमें बहुत सारा भी काम है। अब भाई हम एक सीख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम भाई हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फोर्सेस वाले फोर्स ढूंढने वाले उसमें हम इसी का यूज लेते हैं। भाई इसके कुछ रूल्स हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ रूल्स हैं कि भाई एवरी बॉडी या ईच बॉडी इज कंसिडर्ड
एस पॉइंट। भाई हम क्या कर लेते हैं, जो भी बॉडी के ऊपर हमें फोर्स ढूंढने होंगे ना, हम उस बॉडी को एक पॉइंट ले लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? आपको एग्जांपल भी बताऊंगा मैं। फिर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन बाय एरो। भाई हम एरो की मदद से ये दिखाएंगे कि बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है, बॉडी कितनी फोर्स लगा रहा है वो नहीं, बॉडी के ऊपर कौन हो सकता। हमने देखा था कि टेंशन फोर्स जोड़ी में होता है, नॉर्मल रिएक्शन जोड़ी में होता है। भाई एक फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट खुद लगा रहा है। तो जो वो खुद लगा रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं दिखाएंगे, जो उसके ऊपर लग रहा है हम सिर्फ उसी के बारे में डील करेंगे। और थर्ड पॉइंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जर्वर इज मेंशन। मतलब बच्चा अब भाई ऑब्जर्वर का यहां पे बहुत रोल है। देखिए आपके फिजिक्स के अंदर दो टाइप के ऑब्जर्वर होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, भाई आप बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर इज मेंशन्ड। भाई इसका मतलब दो तरह की फ्रेम हम कहते हैं फिजिक्स के अंदर, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, अभी तो मैं बहुत ही आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक है सुडो फोर्स, जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसमें डिटेल में देखेंगे। भाई देखिए आज डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जर्वर है, भाई जैसे मान लो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और सपोज करो कि मैं कार ले लेता हूं, ठीक है, ये मस्त वाली कार है, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं ऐसे, ठीक है, एंड यहां पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को मैंने लटका रखा है। अब मैं इधर खड़ा हूं आई, और आप उधर खड़े हो, आप मान लो इधर के खड़े हो, ठीक है, यू। अब भाई आप कहां खड़े हो, आपकी बॉडी जो है स्टेशनरी है, आप गाड़ी के बाहर खड़े हो और एक गाड़ी चल भी रही है, भाई गाड़ी मस्त ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है। अब भाई इस बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, जितना एक्सेलरेशन इस बॉडी का है उतना ही एक्सेलरेशन मेरा भी है। इसका मतलब अगर यहां पे अगर मैं देखूं तो एक ये भी ऑब्जर्वर हो सकता है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगी है, देखेगा भाई इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ये भी एक ऑब्जर्वर है, ये भी देखेगा कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो भाई अगर आपकी एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं बोलूंगा कि वो इनर्शियल फ्रेम है। क्यों ऐसा बोलूंगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल इतना ही ध्यान रखो कि भाई वो इनर्शियल फ्रेम है। अगर अगर मेरी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई आखिरकार ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको बोला भाई कि ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर अंदर है बाहर है, एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं है, अगर ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है तो वहां पे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की बात आती है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो समझ लो कि आप इनर्शियल फ्रेम में ही हो, इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन जीरो ही है। और अभी शुरुआत में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम एक्सेलरेशन को जीरो लेके चलेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हम इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, हमारी एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो फिर हमके नॉन इनर्शियल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, दैट वी विल सी जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके अकॉर्डिंग ये इनर्शियल मोशन भले अभी मत करना, इसके अकॉर्डिंग भाई जैसे कि मान लो कि हमने ये एक सरफेस दिया था, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दिया था, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है कि हर बॉडी को आप एक पॉइंट ले लो। तो ये जो बॉडी है मैंने उसको एक पॉइंट ले लिया, इसका इस पॉइंट का मास वही होगा, पॉइंट का मास तो एम ही लेगा। अब इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशन, सो मैं क्या दिखाऊंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी,
बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स, तो बॉडी के ऊपर एक लग रही है ग्रेविटेशन, इसको हम बोलते हैं mg, और इसके ऊपर की तरफ कौन सा लगेगी टेंशन, तो मैं बोलूंगा ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है एक टेंशन फोर्स। ये फ्री बॉडी डायग्राम। बस सपोज करो, सपोज कि मेरे पास एक ये सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है, और यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करूंगा, भाई इस ऑब्जेक्ट को दिखा दूंगा पॉइंट्स, इसका मास तो सेम रहेगा m का है, अब इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो ग्रेविटेशन ये आ गया mg, और एक ऊपर की तरफ कौन सी लगेगी नॉर्मल, भाई ये भी नॉर्मल लगाएगा नीचे, लेकिन हमने क्या बोला कि बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स से ही हमें तो डिस्कशन करना है, बॉडी खुद की कौन सी फोर्स लगा रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये दिखाने की जरूरी है, हम क्या बोल देंगे ऊपर लगेगा नॉर्मल, ये बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब अगर सपोज करो, सपोज करो कि आपके पास एक पुल्ली है, पुल्ली पता है ना वो जैसे खींचता है दोरी, ठीक है, ये हम कौन सा बोल देंगे फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पुल्ली, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, भाई हम पूरे चैप्टर में ये मान के चलेंगे कि जो पुल्ली हम ले रहे हैं उसका खुद का कोई वजन नहीं है, उसका खुद का कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो भाई एक डोरी मैंने यहां से लटका दी, एक डोरी मैंने यहां से लटका दी, यहां पे भी मैंने एक ऑब्जेक्ट को लगा दिया, यहां पे भी मैंने एक ऑब्जेक्ट को लगा दिया, इसका मास m1, इसका मास m2, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ किया जाएगा, इसका अलग से किया जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबको हम पॉइंट मान के चलेंगे, ईच ऑफ बॉडी या ईच ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट, तो इसके लिए हमें पॉइंट ड्रॉ करें, ये पॉइंट m1, अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो m1g ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा कौन सा लगेगा ऊपर की तरफ टेंशन, भाई ये भी टेंशन लगेगा, अब अच्छा ध्यान देना पुल्ली के अक्रॉस डोरी कभी चेंज नहीं होती है, डोरी तो सेम ही रहती है ना, कभी क्या हम उसको बिठा मारते या क्या डोरी को अलग अलग चिपकाते, नहीं ना, एक ही डोरी रहती है, सो जितनी टेंशन इधर होगी उतनी ही टेंशन इधर भी हो जाएगी, सो ऊपर की तरफ टी, अब मैं इसका ड्रॉ करता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, सो ये एम टू नीचे की तरफ ग्रेविटेशन एम टू जी और ऊपर की तरफ टी, आप देख सकते हैं, देखो कैलकुलेशन ये कैलकुलेट करो वो कैलकुलेट करो वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके अब जरा खास ध्यान देना, ये नॉर्मल, ये टू, ये थ्री, अगर मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट कोई इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है, भाई ये एक समझ लो कि एक ब्रिज है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्लैंटिंग हो गया, भाई यहां पे कोई आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है, अब भाई हमको पता है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे लगता है एंड नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमने ले लिया पॉइंट सोर्स, इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg और एक फोर्स ऐसा लग रहा है नॉर्मल फोर्स, अब अच्छा लो देखिए यहां का कैलकुलेशन बहुत ध्यान देना है आपको, सपोज करो कि ये जो एंगल है ना ये दिया हुआ है आपको थीटा, जो ब्रिज आपके रोड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कौन सा है थीटा, अब अच्छा मैं देख पा रहा हूं कि ये फोर्स के ऑपोजिट में कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये जो mg है, ये जो mg है भाई इसके दो कंपोनेंट होंगे, हम क्या करेंगे ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे चैप्टर में ये चीज करनी है, हम क्या करेंगे ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना इसके डायरेक्शन में हम ले लेंगे x एक्सिस, भाई हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां चाहे वहां ले सकते हो, बस कंडीशन क्या है दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए, तो जो x एक्सिस हम यूं लेते थे अब मैंने उसको यूं ले लूं, तो ये जो है भाई ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, भाई ये 90 डिग्री होता है ना सरफेस को, देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो नॉर्मल फोर्स लग रही थी वो ये वाली एक्सिस, भाई ये लाइन के पैरेलल ही हमने x एक्सिस ले ली है, तो अगर ये इसको 90 डिग्री था तो इसको भी 90 डिग्री ही होगा, तो हमने क्या किया इसको क्या ले लिया y एक्सिस, इसका मतलब अभी जो नॉर्मल है ये मेरे y में हो गया, नॉर्मल क्या हो गया मेरे y डायरेक्शन में हो गया, तो मुझे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे किसके mg के, अच्छा अब भाई मुझे ना ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के,
भाई दो पैरेलल लाइन बीच में एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा ना करस्पॉन्डिंग एंगल, मैथ्स में सीखा था ना। तो मैं क्या करता हूँ ये वाला एंगल देखता हूँ। अच्छा जरा ध्यान से देखना भाई, ये थीटा है तो दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है, ये थीटा है और ये कितना है 90। देखिए ये ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये एंगल को ले लिया हमने थीटा, ये हमको पता है कि भाई ये तो 90 है, देखो ना स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये जो वेक्टर, देखो ये एक वेक्टर हो गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, तो भाई यहां पे कितना एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। अब हमने क्या देखा था, जहां एंगल बनेगा वहां कॉस और उसके 90 डिग्री पे साइन, ये पढ़ा था हमने। सो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ये डायरेक्शन में एम जी कॉस 90 माइनस थीटा और इधर क्या हो जाएगा इसके ऑपोजिट में एम जी साइन 90 माइनस थीटा। देखो ये 90 माइनस थीटा बन रहा है ना, आपको याद है ना, ये अगर मान लो बीच में कुछ होता था तो इसका कंपोनेंट हम लेते थे, सपोज करो वेक्टर ए है तो, और ये थीटा बना रहा है तो ये ए कॉस थीटा लेते थे, जितना एंगल होगा वो, तो हमारे केस में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ये एक वेक्टर है और ये एक एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। अब भाई 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 आ गया तो साइन हो जाएगा, इसका मतलब, इसका मतलब अब जरा ध्यान देना, यहां पे एम जी साइन थीटा आ जाएगा एंड यहां पे एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, और जब कंपोनेंट ले लेंगे तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, देखो मैं एक नवे सर से बनाऊं, कहां बना कहां बना यहां पे बनाऊं छोटा सा, भाई अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो इस पे ये डायरेक्शन पे लगेगा एम जी साइन थीटा, यहां पे लग रहा है नॉर्मल, देखो सॉरी ये थोड़ा ऐसा रखो, ठीक है, यहां ऐसा कुछ लगेगा एम जी साइन थीटा एंड नॉर्मल के ऑपोजिट में क्या लगेगा ये वाला एम जी कॉस थीटा। तो इसको याद कैसे रखेंगे भाई, जहां पे इंक्लाइन है, जहां पे झुकाव है वहां पे साइन थीटा और उसके 90 डिग्री वाले पे कॉस थीटा। पूरे क्वेश्चन जितने भी हम इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें हम डायरेक्टली लेके चलेंगे, डायरेक्टली लेके चलेंगे कि एम जी साइन थीटा उसके झुकाव की तरफ और जो इसके नॉर्मल के ऑपोजिट में होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा। कैसे आया वो भी समझना जरूरी है भाई, 90 माइनस थीटा था तो 90 के कारण फंक्शन चेंज हो गया, टेंथ में आप सीख चुके हो 90 माइनस करेंगे तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है बच्चा लोग, यहां तक समझ आया।